खांडू इतना तेजी से डेवलप्ड और नीट एंड क्लीन सिटी कैसे हुआ? तो इसका कुछ परसेंट क्रेडिट जाता है बालेंद्र शाह को, जिन्हें लोग बालेंद्र शाह के नाम से भी जानते हैं। बालेंद्र शाह फर्स्ट इकलौते यंग पॉलिटिशियन है और बालेंद्र शाह नेपाल के फेमस रैपर भी हैं, और ये नेपाल को थाईलैंड जैसे टूरिज्म कंट्री से भी आगे लेके जाना चाहते हैं। आज हमारे पास व्लॉग आया है एक मॉडर्न काठमांडू सिटी का। आप सबको पता है कि काठमांडू सिटी नेपाल का कैपिटल सिटी भी है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी है काठमांडू नेपाल का। हमने इस व्लॉगर के एक और वीडियो पे भी रिएक्शन दिया था, जिसमें काठमांडू के स्काईवॉक टावर की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी काठमांडू, और हम आपके साथ शेयर करेंगे कि काठमांडू के अंदर क्या क्या चीजें हुई है, क्योंकि मॉडर्न के बारे में बात की जा रही है तो इसमें नई बिल्डिंग्स भी बनी होंगी, नई चीजें भी बनी होंगी। तो चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं नेपाल की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी काठमांडू। तो वीडियो देखते फिर आपके साथ बात करते हैं। मैं हैरान हूँ यार, मतलब कि जो ढाका सिटी है ना, ढाका सिटी से भी काफी अच्छा यहाँ पे मुझे काठमांडू लग रहा है यार। मतलब कि मुझे पता नहीं था भाई यहाँ पे मतलब इतना मॉडर्न होगा यहाँ पे काठमांडू। ये सामने मेरे पीछे जो आप देख रहे हो बड़ा सा बिल्डिंग शीशा का भी बनी रहा है, ये कितना अच्छा लग रहा है भाई। इसे देख के ना गोवा का याद आ गया है ना, गोवा में ना ऐसे ऐसे करके बिल्डिंग काफी वहाँ पे थे गोवा में पश्चिम में। कैमरा में काफी छोटा लग रहा हो लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है और आपको काठमांडू का कोना कोना नजर है। आपको दिखाते हैं भाई यहाँ का मॉडर्न काठमांडू कैसा है। आप मॉडर्न ढाका तो आप देख चुके हो, चलो अब आपको दिखाते हैं मॉडर्न काठमांडू। नेपाल कुछ साल पहले गरीब कंट्री के सूची में आता था और आज नेपाल बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। नेपाल इतना तेजी से डेवलप कैसे हो रहा है, इसका जीता जाता सबूत हमें नेपाल के कैपिटल काठमांडू में देखने को मिलता है। कैसे नेपाल थाईलैंड की तरह टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ पे भाई कसिनो भी है सामने, आपको देखो कसिनो दिखेगा, कसिनो तो यहाँ पे काफी ज्यादा है। ये देखो कसिनो पर लिखा हुआ है भाई, मैं हैरान हूँ यार, मतलब कि जो ढाका सिटी है ना, ढाका सिटी से भी काफी अच्छा यहाँ पे मुझे काठमांडू लग रहा है यार। मतलब काफी अच्छा से डेकोरेट किया हुआ है यहाँ पे, और दुनिया भर के टूरिस्ट नेपाल आते हैं ट्रैकिंग और क्लबिंग करने, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन नेपाल में ही है। और कई हॉलीवुड मूवीज में भी नेपाल के माउंट एवरेस्ट को दिखाया है। इससे पहले भी मैं काठमांडू आया था बट मैं ये जो जगह है ये जगह को एक्सप्लोर नहीं कर पाया था, बट अभी अच्छे से आपको दिखाते हैं, अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। एक बात यहाँ पे और है कि हम लोग को ढाका में काफ़ी ज़्यादा रिक्शा देखने को मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको एक भी रिक्शा वगैरह देखने को एक भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो यहाँ पे टैक्सी मिलेगा, जो कि टैक्सी का भाड़ा काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आपको पठाओ, अभी मैं पठाओ में बैठा हूँ, पठाओ बुक किया हूँ, जैसे अपने यहाँ रैपिडो होता है, यहाँ पे पठाओ होता है और फिर इन ड्राइव। पठाओ तो आपको मैं बताया था बांग्लादेश में भी चलता है पठाओ, और काठमांडू नेपाल में भी चलता है। ये देखो ये सामने मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये बड़ा सा बिल्डिंग शीशा का भी पनीर है। सच बता तो काठमांडू का डेवलपमेंट देख के दिल खुश हो गया, क्योंकि हमें अच्छा लगता है जब हमारे पड़ोसी भी हमारे साथ साथ डेवलप होते हैं। काठमांडू में आपको काफ़ी पुराने पुराने और यूनिक बिल्डिंगें देखने को मिलेगा, और हर जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट था, हर जगह जोरों शोरों से काम चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि नेपाल में कुछ ही साल में सब कुछ बदल जाएगा। ये कितना अच्छा लग रहा है भाई, इसे देख के ना गोवा का याद आ गया है ना, गोवा में ना ऐसे ऐसे करके बिल्डिंग काफी वहाँ पे थे गोवा में पश्चिम में। मुझे तो भाई पता नहीं था भाई काठमांडू में इतने अच्छे अच्छे मतलब बिल्डिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पे ना शॉप भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, मतलब कि मुझे पता नहीं था भाई यहाँ पे मतलब इतना मॉडर्न होगा यहाँ पे काठमांडू। सच में यार बिलीव नहीं हो रहा है यार, इतना मतलब कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से हुआ है काठमांडू में। यहाँ पर सड़कें देखो यार आप, यहाँ पे ये देखो सड़क। काठमांडू इतना तेजी से डेवलप्ड और नीट एंड क्लीन सिटी कैसे हुआ? तो इसका कुछ परसेंट क्रेडिट जाता है बालेंद्र शाह को, जिन्हें लोग बालेंद्र शाह के नाम से भी जानते हैं। बालेंद्र शाह फर्स्ट इकलौते यंग पॉलिटिशियन है और बालेंद्र शाह नेपाल के फेमस रैपर भी हैं, और ये नेपाल को थाईलैंड जैसे टूरिज्म कंट्री से भी आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है व्यापार भी बढ़ेगा। बालेंद्र शाह ने 2022 में फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट पार्टी से चुनाव लड़ा और नेपाली कांग्रेस को हरा कर मेयर ऑफ काठमांडू म्युनिसिपैलिटी बने। सत्ता में आते ही इन्होंने काठमांडू में ताबड़तोड़ डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया। देश में अगर टूरिज्म बढ़ाना है तो देश काफी साफ सुथरा होना चाहिए, इन्होंने वही किया। आते ही इन्होंने पहले फुटपाथ बनवाया, रोड बनवाया और रोड को पूरा क्लीन किया। नेपाल में सबसे ज़्यादा जीडीपी एग्रीकल्चर, टूरिज्म, कारपेट्स और टेक्सटाइल से आता है। आपको और ज़्यादा बोर ना करते हुए अब चलते हैं काठमांडू का मंकी टेंपल, जिसे शंभूनाथ टेंपल बोला जाता है। वैसे इस टेंपल का नाम है मंकी टेंपल और इसको शंभूनाथ टेंपल भी बोला जाता है, और ऐसा कहा जाता है यहाँ पे मंकी टेंपल इससे बोला जाता है, यहाँ पे मंकी बहुत ही ज़्यादा है यार, बहुत ही ज़्यादा। और अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो अपना मोबाइल कैमरा जो भी है बचा के रखना, मैं तो बचा के रखूँगा भाई, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मंकी है, नहीं तो आपका कैमरा भी चला जाएगा। काठमांडू में जितने भी टेंपल है वहाँ पे आपको दो चीज़ बिल्कुल कॉमन मिलेगा, एक तो वहाँ पे बंदर और दूसरे वहाँ पे कबूतर।
अब देखो मंकी टेम्पल अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको एक अंकल मिल जाएंगे जो यहाँ कई सालों से अपना दुकान लगाते हैं और ये अंकल अपने हाथों से ये सब बनाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपको कभी आपके वीडियो में आपको हम देखे हैं, काफी यूट्यूबर आपका वीडियो बनाया है ना। जी जी देखे। आपका नाम क्या अंकल? चंद्रेश्वर पांडे। चंद्रेश्वर पांडे, ये आप ही का है क्या ये? जी ना, ये दूसरा का। अच्छा, ये क्या चीज़ का बना अंकल? ये सब अभी का है। कैन आई टच? पत्थर का। अच्छा, पत्थर का। ये देखो भाई, ये पत्थर का बना हुआ है, काफी ज्यादा चिल्ड है, अच्छा लग रहा है देखने में। कैसे बनाया हुआ पत्थर का? हाथ से बनता है। हाथ से बना ना। अब देखो सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हालत तो खराब होने वाला है, इसलिए अपने साथ पानी का बोतल जरूर से लेते आना। भूटान के मोनेस्ट्री में मैंने इसे देखा था, वहाँ इसे तोड़ने का मतलब इंसान को मारने के बराबर होता है। अब यहाँ पे ऐसा रूल है कि नहीं है ये तो मुझे नहीं पता भैया, एक बात बताऊंगा तो आपको हंसी आ जाएगा। यहाँ मुझे मेरे ही सिटी के तीन बंदे मिले और इन तीनों का भी नाम आशीष ही था, और हम मिले भी तो कहाँ, यहाँ। देखो भाई, हो सकता है ना आपको बिलीव नहीं होगा कि यहाँ पे मैं, मतलब मेरा ही नाम आशीष है, मैं यहाँ पे ट्रैक करा था कि यहाँ पे काफी लोग मिले हैं, क्योंकि इन सभी का नाम आशीष है, इनका भी नाम आशीष है, इनका भी नाम आशीष है, इनका भी। मेरे को तो आश्चर्य लग रहा था आशीष मिले एक साथ, वो भी यहाँ पे, वही बिहार के। आपका नाम क्या भाई? आशीष कुमार। आशीष सिंह। ऊपर चढ़ते चढ़ते आपको गौतम बुद्ध की सुंदर सुंदर मूर्तियां देखने को मिलेगी, जिसको देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। जो ज्यादा थक जाते हैं यहाँ पे उनके बैठने के लिए सीट भी बना हुआ है। यहाँ एशियन कंट्रीज के लिए 50 रुपीज एंट्री चार्ज था और अदर कंट्री के लिए 200 रुपीज। ऊपर पहुंचते ही आपको एक बड़ा सा वज्र मिलेगा। अब इसे क्या बोलते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट ये देखने से लग रहा था कि ये कोई शस्त्र है। भाई इसको क्या बोलते हैं आप कमेंट करके बता रहे हैं, मेरे को तो नाम नहीं पता इसका। क्या बोलते हैं? वज्रा। वज्रा। अच्छा, शिव जी का वज्र। अच्छा अंकल ने बताया इसका नाम वज्र है, वज्र जो शिव जी के हाथ में रहता ना बहुत बड़ा सा, वो इसको वज्र बोलते हैं। काफी बड़ा है, आप देखो यहाँ जाकर कैमरा में काफी छोटा लग रहा हो लेकिन ये काफी ज्यादा बड़ा है। और बंदर से तो भाई बच के रहना, नहीं तो आपका मोबाइल कैमरा सब कुछ लेके भाग जाएंगे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये घंटी है बजाने का ना। लास्ट टाइम मैं भूटान गया था ना, भूटान में भी इसी टाइप का था ये, और इसको घुमाने से ना आपका सारा पाप जो है धुल जाएगा। ये दिया को जलाने से जो भी मनोकामना मांगोगे वो पूरा होगा। इस टेंपल के अंदर भी कई सारे मंदिरें थे शिव जी के और कई सारे भगवानों के, और लोग यहाँ पंडितों से पूजा भी करवा रहे थे। अगर आप उड़ीसा गए होगे, उड़ीसा की जगन्नाथ पुरी, तो वहाँ पे आपको सेम टू सेम कोणार्क मंदिर में ये देखने को मिला होगा। इसका नाम तो मुझे नहीं पता, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करके बताना। ये मतलब हर जगह उड़ीसा में ये देखने को मिल रहा था और यहाँ पे भी देखने को मिला है। इस टेंपल को लोग मंकी टेंपल क्यों बोलते हैं वो यहाँ आगे पता चल रहा है। इस टेंपल में आप जहाँ देखो आपको बंदर ही बंदर दिखेंगे। हाँ, अपना मोबाइल और कैमरा बचा के रखना। यहाँ इतने ऊपर मंदिर में आपको कई सारी दुकानें मिल जाएंगी जिसमें लोग गौतम भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां बेच रहे हैं। इतने मेहनत से यहाँ लोग इसे बनाते हैं तो कॉस्टली तो होना भी चाहिए। और हाँ, आप बार्गेन मत करना इनसे क्योंकि ये बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं।
देखो इतने ऊपर आप अगर आओगे तो यहाँ पे आपको ये नज़ारा देखने को मिलेगा, यहाँ से पूरा आपको काठमांडू का कोना कोना नजर आएगा, कितना अच्छा लग रहा है ना। मंकी टेम्पल एक हिल में स्थित है, इसलिए इतने ऊपर आने के बाद आपको इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहाँ से आपको पूरा काठमांडू विले दिखेगा। यहाँ इतने ऊपर सुंदर सुंदर नज़ारे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मेरी मानो तो यहाँ आप मॉर्निंग टाइम में ही आना, क्योंकि यहाँ का सनराइज़ बहुत ही अच्छा होता है। काठमांडू में बस ये दिक्कत है कि काठमांडू में ना बहुत ही ज़्यादा क्राउड है और यहाँ पे जाम वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं भाई। और वही अगर आप पोखरा से कंपेयर करो तो पोखरा काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और वहाँ पे जाम वगैरह तो नहीं लगते, वहाँ पे लेस क्राउड है, बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही क्राउड है। यहाँ पे कितना लंबा ट्रैफिक हो गया है ना। काठमांडू में पॉपुलेशन 14 लाख से भी ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैफिक देखने को मिलेगा। यहाँ पे काठमांडू में एक चीज़ मैं नोटिस किया हूँ कि यहाँ पे जो लोग है ना, यहाँ पे सुपर बाइक काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे टोयोटा का कार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। एक चीज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा फनी है, यहाँ के जो लोग है ना, जो जोमेटो, जैसे हमारे यहाँ जोमेटो होता है, यहाँ पे जब आया होता है जो फूड डिलीवरी होता है, तो वो लोग पता है क्या करते हैं, वो लोग सुपर बाइक से मतलब फूड डिलीवरी कर रहे हैं भाई। यहाँ पे नॉर्मल बाइक नहीं, वो लोग का सुपर बाइक है भाई, गजब है यार। देखो अभी क्या है ना कि जैसे जैसे शाम हो रहा है वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है, और मॉर्निंग में आपको दिखाया था दोपहर के टाइम में कितना ज़्यादा गर्मी हो गई थी, इसलिए मैं शर्ट पहन गया था। अभी मुझे ठंड लगना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पे देखो भाई, उतना दिन से मैं घूम रहा था, मुझे अभी रिक्शा देखने को मिला। इस एरिया में लगता ना रिक्शा चलता है, इसलिए यहाँ पे देखो रिक्शा वगैरह यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल से ना ये जो है ना, ये सिटी सेंटर है, यहाँ पे काफ़ी वीआईपी एरिया लग रहा है मुझे दिखने में, तो ये सिटी सेंटर जरूर होगा। यहाँ पे देखो भाई, शॉपिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रैकिंग का सामान काफ़ी मिल रहा है। ये पक्का ये सिटी सेंटर है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया हुआ लाइट, आप मेरे ऊपर देख सकते हो कितना अच्छा लाइट लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने के लिए। यहाँ पे तरह तरह के कपड़े वगैरह आपको मिलेंगे, ठंड के, गर्मी के सारे कपड़े यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ तक वीडियो देख लियो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा हिला देना, ताकि हम एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्टेड रहें। व्लॉग आप लोगों ने देख लगा, इंटरेस्टिंग लगा। इस व्लॉग के अंदर आपको मंदिर के बारे में बताया गया, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया। सबसे पहली बात मैं आपके साथ ये करूँ कि हमने नेपाल के ऊपर कई सारे व्लॉग्स के ऊपर रिएक्शन दिया है। इस व्लॉगर के एक और व्लॉग के ऊपर हमने रिएक्शन दिया था, वो काठमांडू के स्काईवॉक टावर का था, जो स्काईवॉक टावर नेपाल के काठमांडू सिटी के अंदर बनाया गया है, तो वो मुझे काफी पसंद आया। और पाकिस्तान के लोगों के लिए यही बड़ी बात होती है कि नेपाल की सिटीज को देखे, और हम नेपाल के ऊपर जब रिएक्शन देते तो हमें वो चीज़ अच्छी लगती है। अभी अगर हम देखते तो नेपाल के अंदर काफी सारी चीज़ें डेवलपमेंट के ऊपर हो रही है, और नेपाल के अंदर डेवलपमेंट का जो है वो काफी जबरदस्त हो रहा है। रिसेंटली हमने एक ब्लॉग के ऊपर रिएक्शन दिया था, इंडियन ब्लॉग था वो भी, उसके अंदर ये बताया गया था कि यार काम नहीं हो रहा। आज हमें देखने को मिला है कि भाई काम जो हो रहा है वो सिटीज के ऊपर हो रहा है, विलेज साइड के ऊपर या रोड के ऊपर नहीं हो रहा, क्योंकि जितने भी हमने ब्लॉग्स देखे उसके अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि यार सिटी काफी अच्छा है, सिटी के अंदर वर्क हुआ है, सिटी के अंदर खर्च किया गया है, सिटी के ऊपर आपको रोड भी अच्छे देखने को मिलेंगे, आपको स्ट्रीट लाइट्स भी देखने को मिलेंगी, हर चीज आपको मिलेगी। बट जैसे आप सिटी से निकलते हो, थोड़ा सा गाँव साइड पे चलते हो या किसी दूसरी सिटी चलते हो, बीच में जो आपको रोड्स मिलेंगे वो इतने अच्छे नहीं है, तो लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा खराब होता है। देखिए नेपाल के लोगों को मैं क्या कहता हूँ, आपकी गवर्नमेंट, आपकी आर्मी, जितने भी आप गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करके रोड्स को सही करें, रोड को सही करेंगे तो टूरिस्ट जो होगी वो जब नेपाल आएंगे तो वो खुशी खुशी जाएंगी, उनको एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। अब मिसाल के तौर पर काठमांडू से पोखरा की सफर 12 घंटे है, तो अगर 12 घंटे का सफ़र नॉर्मल है और अगर रोड ख़राब हो और बारिश हो ऊपर से, तो सफ़र जो है 12 घंटे से 14 घंटे भी है, 18 घंटे भी पहुंच सकता है, तो फिर बंदे को वो उतना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर व्लॉगर या हर टूरिस्ट के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक एक छोटी छोटी सिटी के लिए 15-15, 20-20 मिनट की फ़्लाइट लेके दूसरी सिटी जाए। फ्लाइट में आपको वो सफ़र नहीं देखने को मिलता जो आप बस के अंदर या ट्रेन के अंदर करते हैं, तो नेपाल गवर्नमेंट के ऊपर इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डालनी चाहिए कि नेपाल की जो सड़कें नहीं बनाई गई उन सड़कों भी बनाया जाए, बाकी सिटियों के ऊपर भी काम किया जाए। अब ये फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है काठमांडू, और काठमांडू एक तो फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी है, ऊपर से ये कैपिटल सिटी भी है, तो आप लोगों को इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए आपके मेन सिटी के ऊपर ही आपको कितना अच्छा काम होगा तो आप लोग विजिट करेंगे ना। पाकिस्तान की मैं पूरी पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान में कराची सिटी भी अच्छी है, बट आप
पाकिस्तान की कैपिटल सिटी को जब देखेंगे ना, आपको एक रोड ख़राब नहीं देखने को मिलेगा। पाकिस्तान की कैपिटल सिटी कितनी खूबसूरत है, इस्लामाबाद। तो इस तरीके से अगर काठमांडू को भी अच्छा बनाया जाए, मेन इशू क्या है, काठमांडू एक पॉपुलेटेड सिटी है, ऊपर से कैपिटल सिटी भी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर लोगों को मैनेज करना और कामों को मैनेज करना थोड़ा सा मसला बन जाता है। बट आप लोगों ने व्लॉग देखा फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी का, काठमांडू का, एक इंडियन व्लॉगर का। मैं इसके पहले भी व्लॉग के ऊपर रिएक्शन दे चुका हूँ, आपको मैंने सजेस्ट किया था इनके व्लॉग्स देखे, इनके काफ़ी ज़बरदस्त व्लॉग है, इनके चैनल को विजिट किया जाए। आप इनके और भी व्लॉग्स देख सकते हैं, क्योंकि हम सारे व्लॉग्स के ऊपर तो रिएक्शन नहीं देख सकते, व्लॉग्स भी इनके मौजूद है, तो आप इनके व्लॉग्स देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।